नहीं दोस्तों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए यहाँ पर अपडेट जारी कर दिया गया है। जो यहाँ पर उनके रिन्यूअल फॉर्म है वो होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर 2023-24 सो होने लगा है, जिससे वह अपना रिन्यूअल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैसे अपना रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक केवल 9th वालों के ही फॉर्म यहाँ पर अपडेट हो रहे थे। जो फॉर्म 9th या हाई स्कूल के फॉर्म, वे अपना फ्रेश फॉर्म भी भर सकते थे, रिन्यूअल फॉर्म भी भर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो कक्षा 11 के छात्र हैं या 12 के छात्र हैं, वे भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप पे बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है, जहाँ से आप कक्षा 12 के छात्र यहाँ से रिन्यूअल फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। रिन्यूअल फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, कक्षा 11 के फॉर्म अपना फ्रेश फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2023-24 देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पर पहले 2022-23 शो हो रहा था। आपको हम दिखा देते हैं, जैसे आप यहाँ पर आओगे यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर आने के बाद आपको स्टूडेंट कॉर्नर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट का ऑप्शन है, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अगर आप जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पर फ्रेश छात्र हैं, नए तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कक्षा 11 के छात्र हैं, या आप कक्षा 9th के छात्र हैं, या आप 12 के छात्र हैं फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ से फ्रेश लॉगिन से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं या कक्षा 12 के छात्र हैं, रिन्यूअल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से रिन्यूअल से अपना लॉगिन करना होगा। आपको इसलिए यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपली जैसे आप रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करोगे, तो इसके लिए आपको रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा कर्सर दबाए रखना है, या सिस्टम से कर रहे हैं तो आपको कर्सर ले जाना रहेगा, मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको आपको प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आपको चार विंडो शो हो जाएंगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले प्रीमेट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, जो यहाँ पर हाई स्कूल या 9th के छात्र हैं, वे प्री मैट्रिक से अपना लॉगिन करेंगे। जो कक्षा 11 या 12 के छात्र हैं, वे अपना यहाँ से इंटरमीडिएट से लॉगिन करेंगे। और जो पोस्ट मैट्रिक, मतलब जो कि यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई अदर डिग्री कर रहे हैं, तो यहाँ से पोस्ट मैट्रिक से अपना लॉगिन करेंगे। अदर स्टेट वाले के लिए नीचे ऑप्शन हुए दिया हुआ है, अदर स्टेट के छात्र यहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए बताने वाले हैं, जो कक्षा 12 के लिए यहाँ पर आवेदन रिन्यूअल फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली इस पे इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2022-23-24 जो यहाँ पर आपको 2022-23 शो हो रहा था, वो यहाँ पर 2023-24 कर दिया गया है। अब यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, कक्षा 12 के छात्र हैं, जिनको यहाँ से रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना रहेगा, जो भी आपका 22-23 का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको इसमें फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी रहेगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेनी है। आपका जो भी पासवर्ड रहेगा वो आपको इस बॉक्स में फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना रहेगा। यदि यहाँ पर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, पासवर्ड आपको नहीं पता है, यहाँ पर आपका जो पासवर्ड था वो आप भूल चुके हैं, इसके लिए यहाँ पर नीचे आपको एक मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड प्री मैट्रिक, फॉरगेट पासवर्ड पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक के लिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, प्री मैट्रिक के लिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी के छात्र हैं, आप यहां से अपना पासवर्ड चेंज करके दोबारा से पासवर्ड रिसीव कर सकते हैं। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप दोबारा से भी अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल यहां से आप डाल लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने यहां पर फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, जो यहाँ पर पासवर्ड है पासवर्ड फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड डालकर यहाँ से आप सबमिट करके लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन दिख रहा था हाई स्कूल, जो कक्षा 11 के लिए छात्र हैं उनके लिए, यहाँ पर आपको होम पे फिर से जाना है। हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए भी दिखा देते हैं, कक्षा 11 के
यहाँ पर फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पर आप फिर से स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से फ्रेश जो ऑप्शन है फ्रेश का, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर इंटरमीडिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आप इंटरमीडिएट के लिए करना चाहते हैं हाई स्कूल के लिए ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा, हाई स्कूल 9th वालों के लिए यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कक्षा 11 और 12 के लिए आपको थर्ड सेकेंड ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना रहेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अभी भी जो कक्षा 11 के लिए हैं या 12 के लिए फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया गया है, अभी भी यहाँ पर 2022-23 ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक 2023-24 नहीं शो करेगा, 2023-24 जैसा वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तब तक यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपका फ्रेश फॉर्म है वो यहाँ पर अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पर कक्षा 12 के छात्रों के लिए रिन्यूअल फॉर्म ही स्टार्ट किए गए हैं, वो अपना रिन्यूअल फॉर्म ही फिलअप कर सकते हैं। जो कक्षा 12 के छात्र हैं इनका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, कक्षा 12 के छात्रों के लिए यहाँ पर इनका जो फॉर्म है वो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कक्षा 11 के छात्र हैं वो अपना यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म अभी उनका जो फ्रेश फॉर्म है वो लॉगिन नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पर 25 तक आपको वेट करना पड़ सकता है, 25 के बाद आपका यहाँ पर जो कक्षा 11 के लिए जो आवेदन फॉर्म है वो फ्रेश लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा, तब वो अपना 11 के छात्र या कक्षा 12 के छात्र जो फ्रेश फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ यदि यहाँ पर डिग्री के छात्रों की बात करें, बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए, जैसे बीए के छात्र हैं या बीएससी के साथ छात्र हैं वे अपना फॉर्म यहाँ पर कब तक भर पाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर 10 नवंबर तक का वेट करना पड़ सकता है। 10 नवंबर तक जो यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हैं उनका फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो भी यहाँ से रिन्यूअल फॉर्म स्टार्ट किया जाएगा। जो भी रिन्यूअल के छात्र होंगे वही अपना फॉर्म यहाँ पर 10 तारीख तक भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर उनको जो फ्रेश फॉर्म रहेगा वो आपको 15 से 20 तारीख के बीच में वह 20 नवंबर तक अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जो भी यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम के छात्र रहेंगे वह फ्रेश छात्र जो हैं तो 20 नवंबर तक वह अपना फ्रेश फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ में जो रिन्यूअल फॉर्म रहेंगे बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए वो यहाँ पर आपको 10 नवंबर तक देखने को मिल सकता है, 10 नवंबर तक उनके फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिससे वो अपना यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म बीए बीएससी बीकॉम वाले या अदर डिग्री के छात्र अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।